हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको यही ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आ जाएगा और आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्ज़ाम सोशल साइंस का, जो कि कंपलसरी है, आवश्यक है। ठीक है, आपको समय यहाँ पे मिल जाएंगे 2 घंटे 45 मिनट। खंड अ है यहाँ पे, सेक्शन ए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप लोग एक बात समझ लें कि इसमें आपको 1 से 80 तक के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसमें आपको केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अगर 40 से अधिक या 80 में 80 आप लोग दे देते हैं तो पहला से लेके 40 तक ही आपका कॉपी चेक किया जाएगा, आगे का चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है स्थानीय प्रशासन, बी में है स्वयंसेवी संगठन, सी में है गांव तथा मोहल्ले के लोग, और डी है इनमें से सभी। तो पहला का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ए है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, बी है दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना, सी है यहाँ पे आग बुझाने तक इंतजार करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ए है यहाँ पे बाढ़, बी है सुखाड़, सी है भूकंप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है मुहम्मद पैगंबर, और डी है ईसा मसीह। तो 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ए है पटना, बी है गया, सी है भागलपुर, और डी है दरभंगा। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि पटना। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएगा, राजगीर, बोधगया, वैशाली, या फिर सारनाथ। तो 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया। ठीक है, सब याद करते जाइए, सब बहुत महत्वपूर्ण है। 7 है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ए है भारत, बी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका, सी है बांग्लादेश, और डी है नेपाल। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, भारत इज द करेक्ट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 8, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ए है 1834, बी है 1854, सी है 1890, और डी है 1920। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन बी, 1854। प्रश्न संख्या 9 है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? ए है यहाँ पे भूस्खलन, बी है चक्रवात, सी है सुनामी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए है कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र और डी है सेवा क्षेत्र। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 आता है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसमें गुमराह नहीं होने का है। ए है यहाँ पे दूर संचार के लिए, बी है मौसम विज्ञान के लिए, अब यहाँ पे सी आता है संसाधनों की खोज के लिए, डी है दूरदर्शन के लिए। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन सी, संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, 12 है यहाँ पे मानव जनित आपदा है। ए है बाढ़, बी है भूकंप, सी है आतंकवाद और डी है सुनामी। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंकवाद। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 आता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ए में है 15 मार्च 1950 को, बी है 15 सितंबर 1950 को, सी है 15 अक्टूबर 1951 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर आप लोग बताएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है पटना और डी है बंगलौर। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन ए, मुंबई, मुंबई को कहा जाता है। 15 है यहाँ पे आर्थिक विकास संबंधित है। ए है परिणात्मक परिवर्तन से, बी है गुणात्मक परिवर्तन से, सी है ए और बी दोनों यानी कि ये दोनों, आपको डी ऑप्शन दिखा देते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ए है 1968 में, बी है 1986 में, सी है 1984 में और डी है 1976 में। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 यहाँ पे गोल घर का निर्माण कब हुआ? ए है 1757 में, बी है 1764 में, सी है 1786 में, डी है 1857 में। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 में। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 है, राउर किला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है? ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। ठीक है, 19 है यहाँ पे कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। ए है युद्ध और शांति, बी है दास कैपिटल, सी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी है बी एवं सी दोनों। तो 19 का आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है पंचायती राज व्यवस्था और डी है राज्य विधानसभा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 21 है यहाँ पे, ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 2 वर्ष। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ए है दल का नेता, बी है यहाँ पे भारत का संविधान, सी है भारत सरकार और डी है चुनाव आयोग। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। 23 है यहाँ पे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए है 1 नवंबर 2000 को, बी है 9 नवंबर 2000 को, सी है 15 नवंबर 2000 को और डी है 15 नवंबर 2001 को। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 आता है। भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। ए है 21, बी है 22, सी है 18, डी है 20। तो यहाँ पे 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। ओके, 25 है यहाँ पे। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर अ हिंद की उपाधि त्याग दी? कैसर अ हिंद की उपाधि त्याग दी, सॉरी। ए है चौराकांड, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है गांधी इरविन पैक्ट और डी है किसान आंदोलन। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 26 है यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? ए है दिल्ली यात्रा, बी है चंपारण यात्रा, सी है दांडी यात्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी यात्रा। 27 आता है यहाँ पे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन और डी है अमेरिका। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन में। 28 है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, 29 है यहाँ पे। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो यहाँ पे ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947, बी है 15 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 26 अगस्त 1950। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 30 है यहाँ पे। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए है लालटेन, बी है तीर, सी है बंगला और डी है साइकिल। तो यहाँ पे 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगला। ठीक है, 31 आता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ए है राजतंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है अधिनायकवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतंत्र। 32 आता है यहाँ पे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए है यहाँ पे न्याय मित्र, बी है ग्राम सेवक, सी है महापौर और डी है सरपंच। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरपंच। 33 है यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ए है निजीकरण, बी है वैश्वीकरण, सी है राष्ट्रीयकरण और डी है यहाँ पे उदारीकरण। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण। 34 है यहाँ पे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए है वित्त विभाग, बी है वाणिज्यिक बैंक, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी को आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। 35 आता है यहाँ पे। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ए है कोलबर्न, बी है नैप, सी है सेलिगमैन, डी है हॉटले विदर्थ। तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हॉटले विदर्थ। ओके, 36 आता है यहाँ पे। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ए है पूंजीवादी, बी है समाजवादी, सी है यहाँ पे साम्यवादी और डी है मिश्रित। तो 36 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित। 37 है यहाँ पे विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। ए है कृषि क्षेत्र में, बी है औद्योगिक क्षेत्र में, सी है सेवा क्षेत्र में और डी है इनमें से सभी। तो 37 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। ठीक है। 38 आता है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ए है फोर्ड मोटर्स, बी है सैमसंग, सी है कोका कोला, डी है इनमें से सभी। 38 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से सभी। 39 आता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग, डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। यहाँ पे अब 40 आता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। ए है मथुरा में, बी है बरौनी में, सी है डिगबोई में और यहाँ पे डी है गुवाहाटी में। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबोई में। अगर आपको ये 40 में 40 करेक्ट हो गया है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे की ओर चलते हैं 41 की ओर। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है वस्त्र उद्योग, डी है सीमेंट उद्योग। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग, जिसका 40 में 40 पीछे सही हुआ है। आगे भी ध्यान दें कि पूरा सही करने का। तो आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होंगे। 42 है लौह अयस्क है। तो 42 का ऑप्शन 4 दिया गया है। ए है नवीकरणीय संसाधन, बी है अनवीकरणीय संसाधन, सी है जैव संसाधन और डी है मानवकृत संसाधन। तो 42 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। 43 है यहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ए है यूरेनियम के साथ, बी है कोयला के साथ, सी है खनिज तेल के साथ और डी है चूना पत्थर के साथ। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज तेल के साथ। 44 है यहाँ पे निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। ए है तारापुर, बी है कलपक्कम, सी है नरोरा और डी है कैंगा। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। 45 है यहाँ पे निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ए है जेके सीमेंट उद्योग, बी है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, सी है बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी है रेमंड वस्त्र उद्योग। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 46 है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ए है बिहार में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है केरल में और डी है ओडिशा में। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। 47 है यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। ए है भागलपुर, बी है नालंदा, सी है पटना और डी है गया। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पटना में है। 48 है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए है जेनेवा, बी है पेरिस, सी है न्यूयॉर्क, डी है वाशिंगटन। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा में है। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं 49 की ओर। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ए है राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब यहाँ पे 50 है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ए है पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी है पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी है दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। 51 है यहाँ पे, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए है पेट्रो रसायन, बी है लौह इस्पात, सी है चीनी उद्योग, डी है चितरंजन लोकोमोटिव। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। 52 है यहाँ पे, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ए है जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी है रूस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रूस में। ठीक है। 53 है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ए है यहाँ पे ओडिशा, बी में है झारखंड, सी में है कर्नाटक और डी में है गोवा। तो 53 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी है विश्व आपदा कन्वेंशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आप लोग बुक में पढ़े होंगे, अफ्रीकी कन्वेंशन इज द करेक्ट आंसर। 55 आता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया और डी है प्रसा। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। ओके, तो यहाँ पे 55 का सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं 56 की ओर। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो 56 का यहाँ पे ए है मेजनी, बी है गैरीवाल्डी, सी है लेनिन और डी है बिस्मार्क। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्मार्क। ओके। 57 है यहाँ पे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए है आर्थिक स्वतंत्रता, बी है उत्पादन कुशलता, अब यहाँ पे सी आता है अधिकतम लाभ अर्जन और डी है लोक कल्याण। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। ठीक है। 58 है यहाँ पे, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 58 का यहाँ पे ए है मोरारजी देसाई, बी है लाल बहादुर शास्त्री और सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है राजीव गांधी। तो 58 का यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 59 है यहाँ पे, नरेगा, NAREGA इसे नरेगा भी कहते हैं, कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ए है मनमोहन सिंह, बी है मोरारजी देसाई, सी है मुरली मनोहर जोशी और डी है महात्मा गांधी। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 60 है यहाँ पे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 60 का हो जाएगा ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। 61 है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ए है अल्पकाल, बी है दीर्घकाल, सी है ए एवं बी दोनों या डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए अल्पकाल। 62 है यहाँ पे, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ए है वित्त, बी है शिक्षा, सी है स्वास्थ्य, डी है नागरिक सेवाएं। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वित्त। 63 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एग मार्क। आप लोग याद रखें सारे क्वेश्चन को। 64 है, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? इसका आंसर गलत मत दीजिएगा। ए है यहाँ पे पुनपुन, बी है कोसी, सी है सोन और डी है गंडक। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि सोन। 65 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए है संघीय और अध्यक्षीय, बी है संघीय और संसदीय, सी है एकात्मक और अध्यक्षीय, डी है एकात्मक और संघीय। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय और संसदीय। ओके, अब देखिए यहाँ पे 66 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ए है पटना में, बी है मद्रास यानी कि चेन्नई में, सी है नागपुर में और डी है बम्बई यानी कि मुंबई में। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास, चेन्नई में। 67 है यहाँ पे, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए। ए है 16 वर्ष, बी है 17 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतदाता होने की न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। 68 है यहाँ पे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ए है राजनीतिक दल को, बी है संविधान को, सी है न्यायपालिका को और डी है प्रेस को। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल को। और लोकतंत्र का आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 69 है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ए है ज्वार, बी है जूट, सी है गेहूँ और डी है धान। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ। 70 है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है हाजीपुर और डी है मुंबई। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर। 71 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए है गंगा, बी है कोसी, सी है गंडक और डी है सोन। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। 72 है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ए है बॉक्साइट, बी है अभ्रक, सी है लो अयस्क, डी है तांबा। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अभ्रक। 73 है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ए है विद्यार्थियों को, बी है सैनिकों को, सी है फ्रांसीसी नागरिकों को और डी है चीनी नागरिकों को। तो यहाँ पे 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। 74 है यहाँ पे, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए है यहाँ पे बिस्मार्क, बी है मेजनी, सी है काबूर और डी है गैरीबोल्डी। तो 74 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क। 75 आता है यहाँ पे, युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सभी प्रश्न को याद करते जाइए। ए है लेखानोव, बी है टॉलस्टॉय, सी है कार्ल मार्क्स और डी है तुर्गनेव। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय। 76 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए है 1914, बी है 1922, सी है 1929 और डी है 1925। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1929। 77 है यहाँ पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए है 1848 में, बी है 1881 में, सी है 1885 में, डी है 1920 में। तो यहाँ पे 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में। 78 का देख लेते हैं, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो ए है यहाँ पे लिटन, बी है वेलेस्ली, सी है विलियम बेंटिक, डी है चार्ल्स मेटकाफ। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकाफ। ओके 79 है यहाँ पे, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ए है बम्बई, बी है दांडी, सी है सूरत, डी है दिल्ली। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दांडी। 80 है जो कि लास्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो यहाँ पे ए है 1885 में, सॉरी 1855 में, बी है 1857 में, सी है 1905 में, डी है 1911 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जिसको 80 में 80 करेक्ट गया है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसको 80 में 40 आया है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसको 80 से कम आया है उनको प्रयास कर 80 से कम आया है या 40 से कम आया है तो उनको प्रयास करने की ज़रूरत है। आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो क्वेश्चन छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।